Hello everybody, welcome back to my channel. It's all about pathology. Today I am going to share my COVID-19 experience. So guys, इस वीडियो के थ्रू मेरा मोटिव है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी इस समय कोविड से सफ़र कर रहे हैं, उनको एक इंस्पिरेशन पहुँचाना है, क्योंकि मेरा जो COVID-19 का एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपको शेयर करूँगी इस वीडियो के थ्रू, और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से मैं रिकवर हुई और कितने टाइम में मैं रिकवर हुई, और जब मुझे COVID-19 हुआ तो मुझे कैसे पता लगा कि मुझे COVID-19 हुआ है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जब मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मुझे COVID-19 का पता लगा था तब वो मेरा 8th डे था। जैसे कि आप सबको पता है कि जो है 14 डे का इसमें एक आइसोलेशन होने का, जब आपको COVID-19 हो जाता है और आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें जो है हमको 14 डेज हमको जो है होम आइसोलेट होना पड़ता है, और हम उसी बीच में अपना स्ट्रीमर वगैरह, दवाइयां वगैरह लेते रहते हैं। सो गाइस, ये तो आप सबको पता है कि अगर जो है COVID-19 हो जाता है तो उसमें होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन की रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे मेरे जो सिम्टम्स थे बहुत माइल्ड थे, वो क्या सिम्टम्स थे मेरे जो सिम्टम्स थे वो जो मेरी स्मेल और टेस्ट है वो बिल्कुल चला गया था मेरा कम्प्लीटली। मेरे को ना तो स्मेल आ रही थी और ना मेरे को टेस्ट आ रहा था। सो जब मेरे को सबसे पहले जब मुझे फील हुआ, जब मेरा फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे में मेरे को फीवर आया था और मेरी बॉडी में पेन हुआ था। तो जब मेरी बॉडी में पेन हुआ था तो मुझे लगा कि शायद मुझे टाइफाइड हो सकता है। अब क्योंकि मैं लैब में वर्क करती हूँ तो मैंने खुद ही अपना जो है बिडाल टेस्ट किया, तो बिडाल टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया था। तो मुझे लगा 3-4 दिनों तक कि हाँ, ये सब जो हो रहा है वो टाइफाइड की वजह से ही हो रहा है। मुझे फीवर 1-2 दिन और रहा, और जो मुझे जो है वीकनेस थी, बॉडी पेन था, वो मुझे 3-4 दिन तक चलता रहा, और मैं यही सोचती रही कि मुझे टाइफाइड है। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको टाइफाइड है और आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको कुछ जो है जो आपके टाइफाइड के सिम्टम्स हैं वो कोविड से मिलते जुलते हैं, तो आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए, आपको एक बार जो है कोविड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्योंकि गाइस, आजकल क्या हो रहा है पता नहीं लग पा रहा, जो टाइफाइड के सिम्टम्स हैं वही कोविड के सिम्टम्स हैं। तो मैंने तो 4-5 दिन यही सोचा कि मुझे जो है टाइफाइड है, लेकिन टाइफाइड नहीं था। जब बाद में कम्प्लीटली टेस्ट और स्मेल चली गई मेरी, क्योंकि मेरे को टाइफाइड पहले भी हो चुका है और पहले कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरी कम्प्लीटली टेस्ट और स्मेल चली गई हो, लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कम्प्लीटली मेरी टेस्ट और स्मेल चली गई थी। तो इसलिए मुझे डाउट हुआ कि शायद मुझे कोविड हो सकता है। तो फिर मैंने जो है अपना RT-PCR कराया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया। तो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि जब मुझे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड होने के 4-5 दिन बाद मुझे पता लग रहा है कि हाँ, मुझे कोविड है। जब मुझे पता लगा तो मैं इमिडिएटली आइसोलेट हो गई फैमिली से और मैंने प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए। अब बात ये आती है कि जब आपको कोविड हो जाता है तो आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो जैसे कि आप सबको पता है कि इतने गवर्नमेंट्स के प्रोटोकॉल चल रहे हैं और भी कई सारी जो है डॉक्टर्स वगैरह बताते रहते हैं कि स्टीम लेनी चाहिए जो है दिन में 3 बार, और काढ़ा वगैरह बना के पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। तो यही सब चीज़ें मैंने की थी। मैंने क्या किया था, आज मेरा जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा आज जो है 17th डे है कोविड का, ठीक है। तो मेरा 17th डे है कोविड का। सो मैंने क्या किया था, मैंने जिस दिन मुझे पता लगा था मैं उसी दिन होम आइसोलेट हो गई थी। मुझे सिक्स डे पता लगा था कि मुझे जो है कोविड है, तो मैं उसी दिन होम आइसोलेट हो गई थी। और जो है आइसोलेट होने के बाद मैंने जो है स्टीम लेना शुरू कर दिया। स्टीम लेने के बाद गर्म पानी पीना स्टार्ट किया, देन गर्म पानी पीती रही मैंने, काढ़ा भी पिया, और फिर कुछ दवाइयां जो सब लोग COVID-19 में लेते हैं वो भी ली। तो इस तरीके से जो है ड्यूरिंग कोविड मैंने जो है इस तरह के प्रिकॉशंस लिए। और जो है आप स्टीम जो है दिन में 3 बार ले सकते हैं, अगर आप 3 से ज़्यादा बार भी लेना चाहें तो 3 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। 3 बार तो मैंडेटरी है, आपको 3 बार तो स्टीम लेनी ही लेनी है। उसके बाद आपको जो दवाई है आपकी, जो आपको प्रॉपर अपनी दवाई जो है टाइम पे लेनी है कि आपकी कौन सी दवाई किस टाइम पे खाने की, क्योंकि आप अगर दवाई टाइम पे खाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दवाई एक सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप टाइम पे लेते रहेंगे तो वो आपको जो है आपकी जो बीमारी उससे क्योर करती रहेगी। उसके बाद आपको गर्म पानी ही पीना है। गर्म पानी में आप कोशिश करें गिलोय और जो है
लौंग वगैरह डाल के आप गर्म पानी को पिए वो बेस्ट है। सो गाइज मैं जो है जो मेरा टेस्ट और स्मेल था, अगर हम बात करें मैं अपनी रिकवरी की बात करूँ तो मेरी जो रिकवरी है वो 10th ऑफ डे हो गई थी। मुझे जो है 6th ऑफ डे पता लगा था कि मुझे जो है कोविड है और मैंने तभी से प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर। मुझे किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी मैं सब खा रही थी, सब पी रही थी, हेल्दी चीज़ें खा रही थी। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और जो है दलिया वगैरह लें, कोई भी हैवी चीज़ ना लें, ग्रीन्स कोशिश करें कि आप ग्रीन्स वेजिटेबल्स खाएं। सो मैंने भी ये सब किया और जो मेरी टेस्ट और स्मेल है वो 10th ऑफ डेज जो है वापस आ गई थी। 10वें दिन मेरी जो स्मेल और टेस्ट है वो कम्प्लीटली वापस आ गई थी। सो गाइज मैं इस बात से खुश थी कि जो है मेरा जो कोविड था वो बहुत माइल्ड था, तो मेरी जो स्मेल थी और मेरा जो टेस्ट था वो भी वापस आ गया था। सो अभी मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कम्प्लीटली रिकवर हो गया है। बस प्रॉब्लम ये है जो कि सब लोगों को हो रही है आफ्टर रिकवरी, आफ्टर कोविड रिकवरी, कि वीकनेस हो रही है। मैंने ये चीज़ देखा कि जिनको भी मेरे अराउंड में कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो उनको भी यही दिक्कत है कि उनके भी बॉडी पेन हो रहा है। सबसे ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा है, बॉडी पेन तो हो ही रहा है, साथ में ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकते खड़े होके। लेकिन एक और दिक्कत, सबसे ज़्यादा पेन पैर में फील होता है, जब हम खड़े होते हैं तो पैर में पेन फील होता है। सो यही प्रॉब्लम्स होती है कि मतलब पैर में पेन होता है और बॉडी पेन होता है। तो ये कोविड-19 की रिकवरी था। सो तो था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने किस तरीके से अपने आप को रिकवर किया और मेरा जो कोविड था वो कितने दिन में ठीक हुआ और मैंने क्या क्या चीज़ें ली। सो गाइज अगर आप भी रिकवर हो चुके हैं कोविड से या फिर आप भी जो है सफरिंग हो रखे हैं कोविड से, तो आप भी मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपने जब अपना रिकवर किया तो आपने उसमें जो है क्या क्या चीज़ें ली थी, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे, आपने कुछ नया किया तो वो भी बताएं, कोई बेस्ट तरीका बताएं, आप मेरे साथ शेयर करें। और जो है वीडियो कैसी लगी और मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।